आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 12 का रसायन विज्ञान का जो अपना सॉलिड स्टेट जो चैप्टर चल रहा है उसका हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस निविड संकुलित संरचनाएं इन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। इसके बाद में आज एक नया जो पॉइंट है उसको अपन आगे लेकर के चल रहे हैं लेसन के अंदर। उस नए पॉइंट के अंदर आपको एक चीज पूछी जाती है बोर्ड परीक्षाओं में, वो है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स की आपको क्या करनी है, नंबर्स ज्ञात करने हैं, संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चित्र आपको याद रखना है, सिंपल सा आपने वो अब यहाँ पर अपने वो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर आप देखो कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, इसको याद करने के लिए फॉर्मूला आपको काम में लेना है एन, और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या आपको याद करनी है अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या आपको याद करनी है। तो फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा यहां पर 2n, यानी ये दोनों ही फॉर्म। अब यहां पर आपको याद रखना है n का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है n बराबर होता है नंबर ऑफ एटम, परमाणु की या कणों की संख्या, किसी भी जालक के अंदर परमाणु या अणुओं की संख्या, परमाणुओं या अणुओं की संख्या। अब कोई भी आपको जालक दे दे, अब अपने पिछले वीडियो के अंदर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा जाकर के, जहां पर मैंने सिंबल क्यूबिक के अंदर, बॉडी सेंटर के अंदर, एंड सेंटर के अंदर, फेस सेंटर के अंदर कितने कितने परमाणु है, कितने अणुओं की संख्या उसको ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जैसे कि मेरे पास बीसीसी जालक में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, रिक्ति की संख्या कितनी है की संख्या बताओ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बीसीसी जालक में परमाणु की संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना बीसीसी जालक में एन का वैल्यू होता है वो होता है 2 होता है। तो अब क्या करना है, जब एन का वैल्यू 2 है तो ये जो एन अपने को निकाला था एन की वैल्यू कितनी आ गई है 2, तो रिक्तियों की संख्या यहां पर कितनी होगी 2, परंतु अष्टफल की रिक्तियों की संख्या क्या करना पड़ेगा 2 एन करना पड़ेगा, मतलब 2 × 2 करना पड़ेगा, यानी अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। इस प्रकार से यदि किसी जालक में परमाणु या अणु की संख्या आपको याद है तो आप इजीली इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या कर सकते हैं, चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।